गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी थोड़ा बन फैमिली ब्लॉग्स विच। किवें हो फ्रेंड्स, सारे ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ तुसी सारे ठीक होवोगे। टाइम हो गया जी 6:15 का। देखो जी बाहर का नज़ारा, अज बदले बहुत ज़्यादा हो गया। देखो लगता भी मीह आऊगा, मीह की संभावना लगती है अपने आने की। बाकी देखते हैं, होर सुनाओ जी। बाकी हम मौसम का भी चेंज हो गया, फर्क पै गया काफी ज्यादा। आप लगे हैं जी चाह पीण, बच्चों पराठे देते रात बनाई थी पनीर भुर्जी, बिच वह भी पाले थे, अपना पनीर भी पाले थे, बाड़ केले पाले थे। आप लगे हैं जी चाह बना, अज तुसी चाह बना नहीं सॉरी चाह पौन, अज तुसी भी पी लो फ्रेंड्स चाह। वैसे पानी भी सवेरे सवेरे ठंडा होता है, हम तो बहुत ज्यादा फर्क पै गया मौसम का। सवेरे सवेरे सवेर शाम का पै गया, यानी दोपहर का तो नहीं पै, दोपहर में तो बहुत अग लगती, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। आ टाइम का थोड़ा जा हो जाता है भी मौसम का फर्क पै गया। लगे हुआ हाका मारन, ये मम्मा किचन च मम्मा हूँ सू चीजी दूगी खाने, मिठू जा मिठू हो के बोलता है। पहला कद्दा थोड़े हाँ शाल जी कट्टी हुई है ना, ओनू देख देख के कद्दा बिच कट कट के मुँह जहाँ आवाजा गवारदा है, क्योंकि असं ढक दें ना इसी करके भी ठंड लगेगी इन्हों। देखो कि मैं देखता थोड़ा दिखाई है, मैं ये देखो इतने कद्दा उंची कर दर कर करके देखता। हैलो बोल बोल उत्ते, हैलो इतने कद्दा आवाजा मारद है। तो बस जी हूँ आप बच्चों स्कूल भेजते हैं, इन्हों का सिर पाने हजे फिर गुरुद्वारा साहब जाने के, अज इन्हों एग्जाम शुरू ने रिटन एग्जाम। चलो जी आप मिलते हैं फिर काम करते हुए, हूँ मैं भी चाह पी लवा। ओके जी। हाँ जी फ्रेंड्स, 7:00 बच्चे चले गए ने स्कूल, 7:00 ने तो बच्चे स्कूल गए ने। बस हूँ मैं कपड़े धोन लग दूंगी, कपड़िया का काफ़ी ज़्यादा गरा लगे पे, कल भी नहीं वॉश किए हैं, चौथे वॉश किए थे, परसों भी नहीं किए, कल भी नहीं किए, अज फिर मैं चलो कर दिनी हाँ ड्रैसा वगैरह भी बिच। तो एक मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो मैं, ये भी पहला नेरी भी थोड़ी जी आ गई सी, हवा चल रही थी, मैं ये भी जल्दी जल्दी हूँ पहला मैं कपड़े वॉश कर दा, मिलती है जी सूँ हूँ मैं कपड़े वॉश कर दी। इतने चला ली सी मैं समरसीबल चला के, फिर मैं मशीन च भर लिया सी पानी, मैं चलो कपड़े वॉश कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश आने का लगता सीगा भी आऊगी, पर आई नहीं सी, बट लगता सीगा भी खमाणो साइड वाल हैगा मी। तो होर सुनाओ जी सारे किवें हो, ठीक ठाक? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक होवोंगे, अपने घरों के सारे तंदुरुस्त होवोंगे। तो आप जी हाँ जी, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं जी, वो भी मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर करो और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करो। तो बस जी आप सर्फ पा के ना बिच मशीन च कपड़े हुए हुए सीगे काफ़ी ज़्यादा, तो एक दो मेरे सूट सीगे ते बच्चियां दे सीगे, फिर मैं कहा चलो भी नाले ड्रैसा सीगियां, फिर मैं कहा चलो वॉश कर देने हैं, क्योंकि जी मी आ मौसम नू देख के तो फिर ए डर जहा लगन लग जाता भी हाँ भी की पता हुंदा जे आ गया तो कवर किन्ने दिन लग्या रहे ना हटे ना, क्योंकि जी आ मेलिया दे हुण ते इस बार चलो लेट ने मेले, नहीं तो साढ़े मेले में तो बहुत ज़्यादा मीह वगैरह बहुत नेरी झक्खड़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता थी। आ 2 साल हो गए उदो थोड़ा जहा घट रही है भी आ जाता, पर इन्ना ज़्यादा नहीं, तो नहीं तो जी साढ़े जिदन छिंज वगैरह घोल वगैरह लगते हैं उस दिन तो जी पुछो ना इन्ना क मीह नेरी झक्खड़ आ जाता सीगा, तो बिचे विचाले ही बंद करने पैंदे सीगे, तो हुंदे ही नहीं सीगे। आ 2 साल तो माड़ा जहा ठीक रहा मौसम, नहीं तो बहुत ज़्यादा आते सीगे। तो इतने लग गई सी जी बच्चों ड्रैसा पाउन, ये जी मैं सारे कपड़े कट्ठे ही पाले सके, बिचे वाइट से बिचे कलरफुल से, क्योंकि इन्होंने किसी का भी कलर नहीं जाता हैगा, तो करके फिर मैं कपड़े कट्ठे ही पाले सके, तो मैं ये सीगा। बाकी सहद के पापा ने भी जी कलू आ जाना, कलू फिर कपड़े मैनू धोने पैने हैं, क्योंकि उन्होंने भी कपड़े होणगे ना, वो गए हुए ने हेमकुंड साहब, तो करके जी फिर उन्होंने भी आ जाना कलू, उन्होंने भी कपड़े आप वॉश करांगे। हाँ जी, ये कपड़े पा के मशीन च मैं चले गई सी अंदर भांडे वांझन, मैं कहा चलो उन्ना टाइम किचन क्लीन कर लें, आप किचन क्लीन करन, मैं कहा चलो किचन क्लीन कर लें है ना,
भी बाकी जिन्ना टाइम हजे फ्री हाँ भी कपड़े जिन्ना टाइम वॉश कर होंगे उन्ना टाइम आप अंदर लता ही फिर मैं जल्दी पहला मशीन चला दी हूँ मैंने होंगे भी मशीन के नाल फिर सारे कपड़े भी वॉश कर हो जाते हैं तो नाले काम होर बाकी भी हो जाते हैं ये नहीं होंगे है भी हाँ अपने भी होर काम करना जा कि है ना फिर आप फटाफट अपने नाल दी नाल नाल कपड़े वॉश कर लें तो नाले आप चलो जी भांडे मांजते हैं। अज तो जी मैं इन्नी ज़्यादा टेंशन दे विच हो गई सी सवेरे सवेरे उठी तो मैं सवेरे सवेरे अपना अपलोड कर ब्लॉग अपलोड तो चलो मैं रात में ही करता सी जब मैं सवेरे देख लगी व्यूज वगैरह है ना तो उत्थे लिखा रहा सी नो डाटा तो मैं सारा है ना मैं उन्होंने कहा भी असी भी प्रोसैसिंग तो दुबारे लगाया तो बई मैं तो डर गई सी मेरे पता नहीं चैनल में की हो गया भी सारे तो एरो आन लग गया है ना भी पता नहीं की हो गया भी मतलब नहीं मेरे तो ही कुछ गलती नाल हो गया पर जो मैं वीडियो देखी सारा कुछ ठीक सीगा परमात्मा की कृपा नाल। अज बच्चे टीफन लैके नहीं गए हैं कहते मम्मा अभी जल्दी आए हैं क्योंकि उन्होंने 10:30 बजे उन्होंने जाना 10:30 बजे आ जाना कहते मम्मा भी अज सामने टीफन लो भी उ ना तो टाइम होंगे है ना भी असं आ गई फिर वो कर लेंगे फिर एक दिन चले गए एक एक ब्रांड खा के चले गए मतलब क्या सी मैं दो खा लो कहने नहीं मम्मा इको खाना है सवेरे सवेरे तो चलो खाया भी नहीं जाता है एक परांठा खा के चले गया पापा मेरे ये अभी मेरे कपड़े वास धो के सुक जाना फिर पानी नहीं आना फिर आ जाए क्योंकि बदल इन्ना ज्यादा आया खड़ा ना मैं लग रहा इधर खमानो साइड वाल मीह पै रहा है शायद जितने तक लग रही हूँ क्योंकि इधर भी लाइट इन्ना ज्यादा धुंधला धुंधला जो मेरा पिया है खमानो साइड साइड इधर आ खन्ना साइड साइड इधर आ असि दोनों शहरों में गब्बे आ जाने बचाले आ जाने पर साडा सानू नेड़े ज्यादा जिहड़ा जी वह सानू खन्ना ही है ज्यादा असं खन्नी जाने नेड़े तो खमानो भी आप असं घट जाने खमानो खमानो तो कदे हुए कदे ही चले आने नहीं तो ज्यादातर खन्ने जाने क्योंकि सानू खन्ने ही पैर लगी हुई है साढ़े है ना उधर तो ज्यादा अभी मतलब कि जाना आना सारा नहीं है ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿਚਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी इतने आप आ गए सी अपने रूम दे विच देख लो जी साढ़े सवेरे सवेरे ये पिया हों जी खटारा बच्चिया ने पूरा पाया हों ते अभी जो तो पहला दोनों जने सहते अभी लड़ पे सीगे क्योंकि तुम्हें पता बच्चे थोड़े जे इधर उधर घूम जाने वो कहते मम्मा मैनू नहीं सही तरीके नाल सौण दिंदा हैगा वो कहते मैनू नहीं सौण दिंदी है ना तो रात पहला भी गुस्से जे होके पहला इधर दूजी बैड पर पै गया सीगा उठ के ते दो घंटे पे आके फिर मेरे नाल पै गया तो जदों नींद नहीं आई हैगी तो बुक्स वगैरह देखो किवें खड़ाइया पईयां ने क्योंकि सवेरे सवेरे बच्चे ये हों भी चेंज कर लैंदे आ तो रात बैठे बेचारे सहज पढ़ती पढ़ती सो गई है ना तो मैं क्या चलो फिर मैं सवेरे मैं चल मैं आपे रख देनी हूँ सैट करके भी तुम अपना बस भाई स्कूल चले जाओ टाइम नाल क्योंकि जी मैनू नहीं चंगा लगता है भी बच्चे ना बाहर बैन हॉर्न मारी जाए तो बच्चे अंदरों निकलना है ना भी आप एक बच्चों जो आप टाइम नाल भी तैयार नहीं कर सकते उन्होंने है ना फिर तो लख दी लानत अपने ते भी है ना पर मैं तो जी कद अज तक वाहगुरु की कृपा कदे वैन तक भी नहीं निकाई हैगी ते एक बार होया सीगा काफ़ी टाइम की गल आ वैसे मैं मैनू सहज दे पापा बहुत ज़्यादा बोलन लग गए तू जल्दी नहीं उठ सकती तू जे नहीं कर सकती नाले मैं जल्दी भी उठी सीगी पता नहीं की गल हुई सीगी फिर वैसे इदा लगता सी मैनू भी हुणे हुणे बैन आ जानी है ना पर मैं ये नहीं सीगा भी हाँ भी मैं भी लंघ जूगी मैं फिर भी आए हो गया सी भी लंघ जूगी बैन भी मैं हो सकता थोनू छड के आना पवे पर फिर भी इन्ना ज़्यादा बोले कहिंदे हाँ हाँ तू टाइम तो पहला नहीं हो कर सकती मैं नहीं छड्डन जाना बैन कादे वास्ते लाई हुई है ना तो जी पर फिर भी मैं हिम्मत करके अपने बच्चे बैन चढ़ाते सीगे अज तक मैं कदे भी बच्चों की बैन नहीं लगाई हैगी ना मैं कदे बच्चों पूरे टाइम तो बाहर कढ़िया मैं पांच या दस मिनट इन्हों पहले ही बाहर कढ़ दिनी हाँ ना मैं कदे हॉर्न मारन दिनी हाँ बैन वाले भी है ना चंगा जहा नहीं लगता अगला कहें दस भी इन्ना टाइम हो गया अजे तक निकल नहीं रहे क्योंकि फिर दूजे बच्चों भी चकना होंगे फिर दे स्कूल च बैन लेट जाऊगी तो आप अपने मैं जी टाइम की पूरी प्रॉपर टाइम की अपनी प्रबंध है मैं फिर आ गई सी अपने चादर झाड़न वास्ते तो मैं चलो जी मैं अज अपना ब्लॉग बना लैनी हाँ जी चादर वगैरह झाड़द्या भी रूम क्लीनिंग करद्या काफ़ी दिन हो गए सके नहीं बनाई सी पर मैंने ये हों भी रोज़ रोज़ थोनू की बार बार उ चीज़ दिखाई जानी है ना ये हों भी थोड़ा जि चलो थोड़े के दिन बाद चेंज होना चाहिए ब्लॉग क्योंकि जी देखो घर के यह ब्लॉग बन गए है ना हूँ मैं बहर तो जा नहीं लगी हैगी तो घर के ब्लॉग बन गए बाकी जो कोई आऊगा जाऊगा है ना उदों आप ब्लॉग बना सकते हैं उन्होंने नाल तो बाकी जी हूँ अजक इन्ना टाइम कि कौन किसी को कौन इन्ना किसी को हों ना तो साढ़े को जमा ही नहीं जी जा आने का टाइम हैगा तुम देख ही लियो हूँ मैनू भी मैं पेके भी अपने किन्ना क जानी हाँ किन्नी क देर बाद जानी हाँ ना मेरे पेके ज़्यादा दूर नहीं है भी हाँ भी नहीं मैं जा भी सकती हूँ है ना बस हूँ तुम ब्लॉग देखी हो जाने हूँ तुम मेरे नाल चलना तुम मेरा सहारा बन के है ना देखी जाना तुम बस जी हूँ क्योंकि बच्चे जो स्कूल लग जाते हैं फिर नहीं जी इन्ना जाया आया जाता कितने फिर तो जी बस आप लग गए सी क्लीनिंग कर मैं चलो अज क्लीनिंग कर दी है वैसे तो डेली कर दी मैं डेली आदत है मेरी ये तो इन्ना एक क्लीनिंग तो मैं डेली करनी होंगी है तो हजे झाड़ चढ़ाइया मैं नहीं किया है जी रूम्स वगैरह का क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल नहीं करता है फिर मैनू यह हों भी चल हजे साफ हाँ भी हले मेला हजे लेट आ थोड़ा जहा क्योंकि ज़्यादा मैं किचन का ही सीगा किचन फिर मैं क्लीन करती सी मैं चलो ये तो हौली हौली हो ही जाएंगे वैसे भी साफ ही इन्ने ज़्यादा गंदे है नहीं गए तो जाले वगैरह भी नहीं लगे हुए मैं नाल दी नाल ही साफ कर दनी हूँ तो हाँ जी ती होर सुनाओ सारे अपन भी गल् सुना दिया करो देखो फ्रेंड्स तुम तो मैं देख रहे हो मैं नहीं थोनों देखती है ना तुम तो मेरी गल् भी सुन रहे हो तो मैं थोड़िया गल् भी नहीं सुनती तुम मैं गल् सुनाया करो है ना तो नाले मैनू अपना दसिया करो है ना कुछ भी कोई गलती होंगी वह भी दसिया करो है ना वधिया लगता जो तुम कोई भी गल करते हो कुछ भी दसते हो चंगा लगता थोड़ा सुन के तो बस जी हूँ क्लीनिक कर लगे हुए आप झाड़ू पोचा करा इस तो बाद तो कपड़े मेरे एक गेड़ा आ गया सीगा एक राउंड दे मतलब कि एक राउंड आ गया सीगा तो दूजा आना सीगा फिर मैं क्या चलो इन्ने जानू मैं क्योंकि पहला मैं मशीन च कपड़े पा के मैं किचन क्लीन कर दिनी हाँ अंदर सारी क्लीनिंग करके झाड़ू पोचा लगा के फिर मैं कपड़े कर दी हूँ मशीन के विचों क्योंकि फिर मैं ये हों भी
मेरे अंदरले सारे काम निबड़ जाने नाल दी नाल फिर पोचा भी सुक जांदा फिर मैं बेड़ा नाले तां पानी मार दिंदी हां बेड़े दे विच नाले कपड़े सुकने पौण लग जाने उन्ने च मेरा सारा पोचा सुक जांदा फिर मेरे बाहरले काम हुंदे ने फिर बाहर ही नबेड़ दिंदी हां। ते अज तां जी मैं 7 बजे कपड़े पा ले सीगे बाहर मौसम इन्ना क ज्यादा वधिया सीगा ऐ लगदा सी भी मीह आऊगा ते ठंडी ठंडी चल रही सी हवा बहुत सोहनी हवा आ रही सी मैनू तां लगे रहा सीगा भी खमाणो साइड वल मीह पै रहा सी पर पता नहीं पै रहा सी जां नहीं। इत्थे जी इहनू भी मैं डेली इन्ना क तो साफ कर दिंदी हाँ बस हुण इह चंगी तरह भी साफ करना एक दिन जदों हुण क्लीनिंग करांगे उदों फिर मैं सारा उपर तको लैके सारा ही क्लीन करदी हुंनी हाँ। हाँ जी इह हो गया सीगा जी शाम दा टाइम हो गया सी बच्चे ट्यूशन गए हुए सीगे ते स्कूल तो आके उन्होंने एक एक रोटी खा ली सीगी ते क्योंकि वह एक एक पराठा स्कूल जाण लगे खा के गए सी स्कूल तो 11 बजे घर आ गए सीगे ते फिर वह ट्यूशन चले गए सीगे मैं लग गई सीगी कपड़े चक्कण मैं कहा चलो कपड़े चक लैनी हाँ। ते फिर उस तो बाद सहज ने आके बना ली सीगी मैगी ट्यूशन तो आके कहनी मम्मा भुख लगी है ना मैं कहा भी मैं रोटी बना के दे दिंदी हाँ रोटी खा लो कहते नहीं मम्मा असी रोटी नहीं खानी हैगी तो मैगी वो खानी है। फिर सहज कहती मम्मा मैं ही बनाऊंगी मैगी मैं कहा चल कोई ना तू बना ला फिर सहज ने बना ली सीगी मैगी। ते इस तो बाद जी फिर हो गए सीगे शाम का टाइम फिर आप लै ली सीगी सब्जी ते मैं लगी सीगी मिठा कद्दू बनाण क्योंकि अज सहज दे पापा ने शाम नू आ जाना सीगा तुहानू कल वाली वीडियो च मिलावांगे उहनां दे नाल क्योंकि उन्होंने आना सीगा थोड़ा जिहा लेट रोटी बनाण तो बाद उह फिर आ गए सीगे। इत्थे मैं बनाण लग गई सीगी मिठा कद्दू ते लसण पा लिया सीगा जीरा पा लिया सी प्याज मिर्च इहनू तड़का ला के बस जी बाकी मसाले वगैरह पा ले सीगे ते आपां ला लिया सीगा तड़का मिठे कद्दू नू क्योंकि सहज ने खांदी नहीं सीगी बिल्कुल भी नहीं सी खांदी मिठा कद्दू पर इस बार पता नहीं इहने किवें खा लिया मैं एक बार फिर इहनू मैं मिंता कीती मैं एक बार ना खाई तू एक बार टेस्ट करके देख ला जे तैनू वधिया लग्गिया तू खा ली है ना। फिर कल दीदी ने तोरियां भेजियां सीगियां दीदी ने तोरियां बनाईयां सी क्योंकि मैं बहुत घट्ट बनाउंदी हां तोरियां क्योंकि खांदे नहीं ना फिर ते कल तोरियां भी खा गई कहिंदी मम्मा टेस्टी लगदियां ने तोरियां स्वाद लगियां ने उहनू ते मैं कहा चल तू खा के देखिया कर भी बिना खाण तो ना किसी भी चीज़ में जवाब दिया कर है ना पहला किसी भी चीज़ में मूँह ला के देखो फिर जवाब देईदा हुंदा जदों ना टेस्टी लगे है ना। ते बस जी आपां इत्थे बना लांगे कद्दू दी सब्जी वैसे इहनू कई जने पेठा भी बोलदे आ असीं ज़्यादातर मिठा कद्दू बोलदे आ इहदा नाम मिठा कद्दू आ जिहड़ा कईआ उहनू कद्दू भी बोलदे आ बट असीं उहनू की आई बोलदे आ लोकी नू है ना ते काफ़ी पिंडां च अलग अलग नेम हुंदे ने सब्जियां दे है ना ते साडे नू बोलदे ने जी मिठा कद्दू ते पेठा भी कह दिंदे ने बट मैं तां मिठा कद्दू ही कहनी हाँ। मैं नहीं बनाया जी इस बार एक बार भी नहीं बनाया फस्ट टाइम बनाउण लगी हाँ काफ़ी टाइम बाद 2 सालों बाद मैं तां लगदा बनाया मैं ते अज तां मैं जिद नाल लए लिया सीगा मैं सहज मैं तां इस तां खाणा तू खाई ना खाई सानू नहीं पता हैगा भी इस तां खा ही लैणा। हाँ जी जे थोनों मेरे अज का ब्लॉग वधिया लग्या मेरे चैनल नू सबसक्राइब लाइक कमेंट शुरू जरूर करो मिलते हैं जी थोनों न्यू ब्लॉग के नाल नवी शुरुआत के नाल ओके जी बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।